हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जब से सोनी सबका शो अली बाबा के ऑफर होने की खबरें सामने आई हैं, तब से फैंस काफी सारे सवाल कर रहे हैं अली बाबा के चैप्टर 3 को लेकर। काफी सारे फैंस के काफी सारे सवाल हैं, जैसे कि अली बाबा का चैप्टर 3 आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा और क्या इसमें सीजान खान देखने को मिलेंगे। और भी काफी सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले खबर के बारे में बात करें तो कई सारे मीडिया पेजेस न्यूज सोर्स का ये कहना है कि अली बाबा शो बहुत जल्द बंद हो सकता है। गौरतलब हो कि ये शो काफी लंबे समय से अंडर स्कैनर में था, लेकिन इसे कुछ महीनों का टेंशन दे दिया गया है। जून तक ये शो ऑफर तो नहीं होगा, किंतु जून में ये शो निश्चित रूप से बंद हो ही जाएगा, ऑफर हो ही जाएगा, क्योंकि जून में कई सारे नए शो सोनी सब पे आने वाले हैं। और टीआरपी में भी अली बाबा की टीआरपी बहुत ज्यादा कम है, लास्ट नंबर पे है वीकडेज वाले शो। तो ये तो श्योर है कि न्यू शो आएगा, एक शो ऑफर होगा ही, तो अली बाबा को ही ऑफर किया जाएगा। रीजन यही है जो हमने बताया, पहली तो टीआरपी सबसे ज्यादा कम आ रही है अली बाबा की, दूसरी न्यू शो आएगी तो एक शो को ऑफर करना ही पड़ेगा, और टीआरपी के अकॉर्डिंग भी अली बाबा को ही ऑफर करना पड़ेगा। अब आते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। काफी सारे लोगों का ये डाउट है कि ये कहा गया है कि अली बाबा चैप्टर 2 ऑफर होने वाला है, क्या इसका मतलब ये है कि चैप्टर 2 एंड होगा, अली बाबा शो नहीं, अली बाबा का चैप्टर 3 तुरंत स्टार्ट हो जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर चैप्टर ही चेंज करना होता तो ऐसी कोई खबर नहीं आती। लास्ट टाइम भी जब चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था तो बहुत कुछ शो में चेंजेज हुए थे, इस कारण से उसे चैप्टर 2 नाम दिया गया था और सब कुछ चेंज कर दिया गया था। लेकिन इस बार खबर आई है ऑफ एयर की, और चैप्टर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि शो का नाम ही चेंज हो गया है। पहले था अली बाबा दास्ताने काबुल, अब है अली बाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2। तो ये रीजन है। और आगे कभी आएगा या नहीं अली बाबा चैप्टर 3, इसका जवाब मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय से शो चल रहा है और इसकी स्टोरी भी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। और अगर किसी भी कारण से शो को अगर कंटिन्यू किया जाता है तो कुछ भी स्टोरी बना दिया जाता है, लेकिन एक बार अगर किसी शो को अच्छी एंडिंग के साथ खत्म कर दिया जाता है शो को, फिर काफी लंबे समय के बाद उसी शो को वापस क्यों लाएंगे जिस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया गया था। तो पॉइंट ये है कि अगर एक बार अली बाबा ऑफर हो गया तो ऐसा आप मत सोचिए कि बहुत बाद में जाके अली बाबा का चैप्टर 3 आ जाएगा। और जहां तक सीजान खान की बात है तो लगता है आपका ये डिमांड ही रह जाएगा, क्योंकि एक बार अगर अली बाबा ऑफर हुआ तो इसका चैप्टर 3 तो आने से रहा, और अगर चैप्टर 3 आएगा ही नहीं तो आपको सीजान खान कैसे देखने को मिलेंगे अली बाबा के रोल में। क्योंकि चैप्टर 2 के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बार अली बाबा को रिप्लेस कर दिया गया है तो बार बार उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा। इस चैप्टर के लिए तो ये श्योर है कि अभिषेक निगम ही अली बाबा का रोल करेंगे। और दूसरा ये भी है कि सीजान खान आपको बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन जो आने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो इससे भी क्लियर है कि अली बाबा शो में आपको सीजान खान देखने को नहीं मिलेंगे, इसके कोई भी चांसेस नहीं है। सो अगर आप अली बाबा शो के फैन इसे देखना चाहते हैं और इसका चैप्टर 3 भी देखना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि आप इसकी टीआरपी को बढ़ाइए, इस शो को आप देखिए, भरपूर देखिए, जिससे इसकी टीआरपी बढ़े और सब टीवी का फैसला बदल जाए अली बाबा शो को ऑफर करने। फैंस का एक और डाउट ये है कि ये अली बाबा शो है, इसमें हातिम की एंट्री कैसे कराई जा रही है, वो भी जब अली बाबा शो ऑफर होने वाला है। इसके बारे में तो हमने पहले ही बताया कि अली बाबा शो को अभी थोड़ा कुछ दिनों का एक्सटेंशन दे दिया गया है, जून में ये ऑफर होने वाला है, अभी कुछ महीनों चलेगा। सो इसलिए हातिम की एंट्री कराई जा रही है, क्यों कराई जा रही है वो तो वही जाने, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हातिम की ही एंट्री क्यों, अलादीन की भी तो करा सकते थे, क्योंकि अलादीन भी एक सब टीवी का शो रहा है, उसमें अगर अलादीन की एंट्री कराई जाती अली बाबा शो में तो अलादीन के फैंस जो है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते, उस शो को देखते और इसकी टीआरपी भी बढ़ती। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कह सकते थे कि जब अभिषेक निगम का शो का बंटाधार होने लगता है तब सिद्धार्थ निगम शो में आ जाता है, जैसे कि हीरो गायब और उनकी टीआरपी कम आने लगी थी तो उसमें शिवाय की एंट्री करा दी गई थी जो सिद्धार्थ निगम प्ले करते थे। सो हमें लगता है ये कारण हो सकता है सिद्धार्थ निगम की एंट्री न कराने की। बाकी अभी के लिए हातिम की एंट्री कराई जा रही है, जिसका रोल सुमित मुदगलकर निभाने वाले हैं, तो आप बस देखिए और हमें बताइएगा कि आपको उनका रोल कैसा लगा, वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आप कर ही क्या सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कर दीजिए ना, देर किस बात की। फिलहाल हम चलते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा।